हेलो एंड वेलकम बैक हाउ डू यू डिफाइन सॉलिड वेस्ट सॉलिड वेस्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे सॉलिड वेस्ट इज द अनवांटेड और यूजलेस सॉलिड मटेरियल्स जनरेटेड फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज जो सॉलिड वेस्ट है ना वो अनवांटेड यूजलेस सॉलिड मेटीरियल्स हैं जो कि कहाँ से जनरेट होते हैं जो जनरेट होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से इन रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एरियाज वॉट डी मीन बाय म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट आर द वेस्ट फ्रॉम होम्स ऑफिस स्टोर्स स्कूल्स हॉस्पिटल्स etc एंड दे आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड by द municipality sanitary landfills were adopted as the द for फॉर ओपन बर्निंग डम्स baat बात सही है हाँ सही है सैनिटरी लैंड फिल्स वेर अडोप्टेड जो ओपन बर्निंग डम्स हैं ना उनके उनका रिप्लेसमेंट करने नहीं उनका सबस्टिट्यूट क्या है सैनिटरी लैंड फिल्स हैं फिर वॉट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट सॉलिड वेस्ट के क्या क्या टाइप्स हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है और रिसाइकलेबल होता है और फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है सो थ्री टाइप्स में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं पहला तो बायोडिग्रेडेबल दूसरा रिसाइक्लेबल और तीसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वट इज एग्रोकेमिकल द केमिकल प्रोडक्ट यूज इन एग्रीकल्चर इज नोन एज एग्रोकेमिकल एग्रोकेमिकल्स आर प्राइमरली यूज टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड्स एंड रिड्यूज द एग्रीकल्चरल बेस्ट पॉपुलेशन द कंसिस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स इन्सेक्टिसाइड्स एंड हर्बीसाइड्स वट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दट रिलाइज ऑन द टेक्निक्स दट हेल्प्स इन रेजिंग क्रॉप्स विथ कीपिंग द सॉइल अलाइव एंड

ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच करना है तो थोड़ा 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 करके करना चाहिए सिक्किम बिकम्स द फर्स्ट ट्रूली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया इन 2016 क्या ये बात सही है हाँ बिल्कुल सही है 2016 में सिक्किम पहला भारत का ऐसा राज्य बन गया जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है सो सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक ट्रूली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड इन टू थाउजेंड डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिव वेस्ट रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर वेस्ट इज अ बाई प्रोडक्ट फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर्स फूएल प्रोसेसिंग प्लांट्स हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च फैसिलिटीज रेडियो एक्टिव वेस्ट इज ऑल्सो जनरेटेड बाई डी कमिशनिंग एंड डिसमेंटलिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड अदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ देर आर टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन हाई लेवल एंड लो लेवल वेस्ट तो दो तरह के रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं एक होता है हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट और दूसरा होता है लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट वट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अचुरली अकिंग फेनोमिंग फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सर्फेस एंड एटमॉस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस सो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नैचुरलीरिंग फेनोमिना है अर्थ सर्फेस एंड एटमॉस्फिर ड्यू टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस सो ग्रीन हाउस गैसेस क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस तो कार्बन डाइड जो कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे जो कुछ भी मीथेन गैस रिलीज करे इसका मतलब वो हाउस इफेक्ट में मदद कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर एंड इट हैपन्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैस वट इज डॉपसन यूनिट थिकनेस ऑफ द ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमोस्फेर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट्स जो ओजोन का जो थिकनेस है ना वो हम लोग कॉलम ऑफ एयर में मेजर करते हैं कहाँ से कहाँ ग्राउंड से लेकर के टॉप ऑफ द एटमोस्फेयर तक थिकनेस हम लोग जो एटमोस्फेयर का मेजर करते हैं उस ओजोन का जो मेजर करते हैं उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं डॉब्सन यूनिट्स में ओजोन होल क्या होता है द पार्ट ऑफ एटमोसफियर विथ लेसर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन जहाँ पे ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है वहाँ पे इसका मतलब छेद हो गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओजोन होल बोला जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है रिकग्नाइजिंग द डेलेट्रियस इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन एंड इंटरनेशनल ट्रीटी नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल व साइंड एट मॉन्ट्रियल कहाँ पे कैनाडा में नाइनटीन एटी सेवन में ये हुआ और इफेक्टिव कब हुआ नाइनटीन में साइन कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में 1987 में भी कुछ हुआ था याद है आपको 1987 में आपका जो एयर एक्ट है ना उसको अमेंड किया गया था और उसमें नॉइज़ को ऐड किया गया था तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में साइन किया इफेक्टिव दो साल के बाद 1989 में हुआ क्या कंट्रोल करने के लिए कि ओजोन जो डिप्लीटिंग सब्सटांसेस हैं उसके एमिशन को कंट्रोल करने के लिए समझ में आया इजिंग द डेलीजोन डिप्लीस एन इंटरनेशनल ट्रीटी नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाइंड एट मॉन्ट्रीय कैनडा इन नाइनटीन एटी से एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटांसिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं झूम कल्टिवेशन हम लोगों ने सीखा है वॉट इज अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड ये क्या है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड क्या है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली कॉन्स इंस्टीट्यूटेड द अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ फ्रॉम द रूरल एरियाज़ दैट हैव शोन एक्स्ट्रॉडनरी करेज एंड डेडिकेशन इन प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ सो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक अवार्ड दिया जाता है ठीक है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नाइनटीन एटीज़ हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जे एफ एम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब आया था नाइनटीन एटीज़ में आया था सो एज टू वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटीज़ फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट सो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिलजुल के काम करेंगे सो so जो लोकल्स थे ना वो लोकल कम्युनिटीज थे उनके साथ में मिल करके हम लोग फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन और उसका मैनेजमेंट या देख देख रेख करेंगे वो कब आया था 1980s tha. So let us recap once more. How do you define solid waste? Solid waste is the unwanted or useless solid materials generated from the human activities in residential, industrial, or commercial areas. What do you mean by municipal solid waste? Municipal solid waste are the waste from the homes, offices, stores, schools, hospitals, etc. that are collected and disposed by the municipality. Sanitary landfills were adopted as the substitute for the open burning dumps. True so what are the types of solid waste all the types all waste that can we can generate um, can be categorized into three types biodegradable recyclable or non biodegradable agrochemical kya hai the chemical product used in agriculture is known as agrochemical agrochemicals are primarily used to increase the crop yields and reduce the agricultural pest populations they in consist of fertilizers insecticides and herbicides what is organic farming organic farming is a form of agriculture that relies on the techniques that help in raising crops with keeping the soil alive and in good health Sikkim becomes the first truly organic state of India in 2016. This statement is true. What do you mean by radioactive waste? Radioactive or nuclear waste is a byproduct from the nuclear reactors, fuel processing plants, hospitals, and research facilities. Radioactive waste is also generated while decommissioning and dismantling nuclear reactors and other nuclear facilities. There are two broad classifications high level and low level waste what is greenhouse effect the greenhouse effect is a naturally occurring phenomena that is responsible for heating of earth's atmosphere earth's surface and atmosphere due to increase in concentration of the carbon dioxide and methane gas what do you mean by global warming global warming refers to the gradual increase in the average temperature of the earth's atmosphere this happens due to an increase in the levels of the greenhouse gases what is dobson unit the thickness of the ozone in a column of air from the ground to the top of the atmosphere measured in terms of dobson units what is ozone hole the part of the atmosphere with lesser concentration of ozone is called ozone hole what is montreal protocol recognizing the de deleterious effects of ozone depletion an international treaty known as montreal protocol was signed at montreal canada in 1987 effective in 1989 to control the emission of the ozone depleting substances slash and burn agriculture kya hai? zoom cultivation hai. and what is amrita devi Bishnoi wildlife protection award the government of india has recently instituted the amrita devi Bishnoi wildlife protection award for the individuals or communities from the rural areas that have shown uh, extraordinary courage and dedication